दोस्तों 12वीं पास व आईटीआई पास जिन बच्चों ने हरियाणा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के लिए अप्लाई किया था उनका आज रिजल्ट जारी हो गया है। रिजल्ट जारी होने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर है उनको अपनी टोकन फीस वहां पे करनी है। टोकन फीस से मीनिंग है एक तरह की यहाँ पे एडमिशन की फीस, जो एडमिशन की फीस है उससे आपकी सीट सुरक्षित हो जाएगी। तो ये आपको टोकन फीस पे करनी है अपनी सीट को सुरक्षित करने के लिए। आपके सामने स्क्रीन पे मैं डायरेक्ट लिंक दे रहा हूँ ताकि आप ये अपने गूगल क्रोम ब्राउजर में या किसी दूसरे ब्राउजर में टाइप करें, सर्च करें और फिर वहां पे आपके पास पे करने का ऑप्शन मिलेगा कि किस प्रकार से आप पे कर सकते हैं, उसी का मैं आपको सामने प्रोसीजर बताने जा रहा हूँ। दूसरा, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये डायरेक्ट लिंक आपको दे रहा हूँ, वहां से भी क्लिक करके आप अपनी फीस की पेमेंट कर सकते हो, मीन्स अपने जो एडमिशन को सुरक्षित करने के लिए टोकन फीस को पे कर सकते हो। तो चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे। सबसे पहले अपने गूगल क्रोम ब्राउजर में tacadmissionshry.gov.in वहां पे टाइप करें। जब ये टाइप करेंगे तो सर्च करना है, सर्च करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। गवर्नमेंट की साइट है, हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी। राइट साइड में जाएं आप, जब राइट साइड में जाएंगे तो वहां पे आपके सामने सबसे पहला ऑप्शन आएगा सेलेक्ट कोर्स। कोर्स का सिलेक्शन करें क्लिक करके, तो यहाँ पे तीन ऑप्शन आएंगे, डिप्लोमा इंजीनियरिंग मीन्स 10th के बच्चे, डिप्लोमा इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री जिसके लिए आपको वहां पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे लेटरल एंट्री पे क्लिक करें, इसके नीचे जो बॉक्स आपको दिखाई नहीं दे रहा वहां पे आपको अपना रोल नंबर टाइप करना है जो स्टार्ट होगा LD से, L फॉर लेटरल, D फॉर डिप्लोमा, LD टाइप करना है। इसके बाद अपना एप्लीकेशन नंबर लिखें, यहाँ पे अपना पासवर्ड टाइप करें, पासवर्ड जो आपने काउंसलिंग के टाइम पे दिया था वो पासवर्ड लगेगा। इसके बाद एंटर सिक्योरिटी कोड, ये जो सिक्योरिटी कोड दिखाई दे रहा है इसको आप डालें, सिक्योरिटी कैप्चा बोलते हैं, सिक्योरिटी कोड बोलते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आप सबमिट करें, जैसे सबमिट करेंगे तो नेक्स्ट स्क्रीन आपके सामने आएगी। नेक्स्ट स्क्रीन आपके सामने कंप्लीट, एक तो आपका होम पेज आएगा, साथ में आपका स्टेटस, रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट अपलोडिंग, ये सभी चीजें आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ कि किस प्रकार अपनी टोकन फीस पे करें। जो लास्ट ऑप्शन है चेंज पासवर्ड, उससे जस्ट पहले आपके सामने स्क्रीन पे है पे टोकन फीस, पे टोकन फीस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन सामने आएगी। नेक्स्ट जो स्क्रीन है वो आपके सामने इस प्रकार रहने वाली है, आपका रोल नंबर लिखा रहेगा जो कि LD से स्टार्ट है जैसा मैंने बताया था, आपका नेम लिखा रहेगा वहां पे, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब लिखा रहेगा, और कौन सा इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हुआ है ये यहाँ पे रहेगा, कौन सा कोर्स मीन्स कौन सी ब्रांच आपको वहां पे अलॉट हुई है, ये सब यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे लिखा रहेगा। फिर आपको वहां पे टोकन फीस पे करनी है। टोकन फीस जो है वो आपके सामने 2500 रुपए है, 2500 रुपए का मतलब एडमिशन फीस एक तरह की। ऑनलाइन पेमेंट है, पेयू मनी इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, और यहाँ पे जाके आपको सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्क्रीन आपके सामने आएगी। नेक्स्ट जो स्क्रीन है वो कुछ इस प्रकार की आपके सामने रहने वाली है। यहाँ पे पेमेंट के लॉट ऑफ मेथड्स हैं, आप अपने क्रेडिट डेबिट कार्ड से कर सकते हो, पेटीएम से कर सकते हो, कोई यूपीआई से कर सकते हो, यूपीआई से मीनिंग फोन पे से कर सकते हो, गूगल पे से कर सकते हो, अदर कोई और सोर्स वहां से उससे कर सकते हो, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो, डेबिट कार्ड मतलब एटीएम कार्ड तो एटीएम कार्ड उससे कर सकते हो, या फिर क्रेडिट आपके घर में हो उससे कर सकते हो। तो बहुत सारे मेथड हैं जिनसे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद आप अपनी टोकन फीस को स्टेटस में जाके चेक कर सकते हो। तो ये था दोस्तों टोकन फीस को पे करने का प्रोसीजर। थैंक यू दोस्तों।